सरकार से मिल रहे सहयोग पर उन्होंने आभार जताते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में संचालित विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में बागवानी की जहां पर अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से कश्मीरी तर्ज पर ही 2000 करोड़ का बागवानी पैकेज दिए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने चार धाम की तर्ज पर ही कुमाऊं मंडल के पौराणिक स्थलों और मंदिरों को तीर्थाटन से जोड़ने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की स्वीकृति दिए जाने और साथ ही साथ पिथौरागढ़ एयर स्ट्रिप से हवाई सेवाओं के संचालन की अनुमति का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन के निर्माण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे के बाद DPR तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने के केंद्र के सहयोग का अनुरोध किया है। इसके बाद सीएम धामी शाम के 4 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। यहां पर सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम धामी का दिल्ली का यह पहला दौरा है जिसमें कि उन्होंने मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट किया और साथ ही साथ गृहमंत्री अमित शाह से भी भेंट किया और साथ ही उत्तराखंड में जो योजनाएं लागू की गई हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी और साथ ही साथ उनका आभार व्यक्त किया है कि जो पार्टी ने उनके ऊपर जो भरोसा जताया है और साथ ही पार्टी का जो सहयोग मिला है उत्तराखंड में जीत को लेकर के उस पर भी उन्होंने आभार जताया है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़े हैं और साथ ही साथ संवाददाता विकास शाह जुड़े हैं। कमल जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री बनने के बाद यह दिल्ली का पहला दौरा था, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, ये मुलाकात कितना खास था? अंजलि, कहें तो पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ पर आया शपथ लिए, अमित शाह भी यहाँ पर आए थे, प्रधानमंत्री भी आए थे और बड़े कहीं वरिष्ठ कहीं केंद्रीय मंत्री के राज्य मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़े एक समारोह में यहाँ पर सम्मेलन हुआ और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी यहाँ अपने कार्यों में लग गए। लेकिन अब पहली बार जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो उसके बाद आज कल देर शाम वहां दिल्ली पहुंचे तो आज उन्होंने लगभग कहें तो 12 बजे उन्होंने संसद भवन में अमित शाह से मुलाकात करी और उसके बाद 1 बजे बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मुलाकात करी और शाम को 4 बजे उनकी राजनाथ सिंह से जी भी मुलाकात होनी है। तो अमित शाह से मिल गया, अगर कहें तो सबसे पहले अमित शाह से जो उन्होंने यहाँ का जो यहाँ की सीमाएं हैं, जो यहाँ पर सेनाएं हैं, जो सीमाएं सीन करती है उनके बारे में विचार विमर्श किया और उन्हें जो आपदा की चीजें आती हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल से बताया कि ये यहाँ पर चीज आती है, इसके लिए उन्होंने यहाँ पर प्रपोजल भी दिए और उससे उन्होंने वित्तीय के सुविधाओं के भी उन्होंने उनसे बात करी कि हमें इतनी योजनाओं के लिए इतना फंडिंग की आवश्यकता है, कई चीजें उन्होंने प्रपोजल रखे और उसके बाद 1 बजे वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि विभिन्न यहाँ जो योजनाएं चल रही है उसको लेकर उन्होंने काफी डिटेल से बात करी। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं चल रही है इसके लिए इन इन चीजों की आवश्यकता है, इस चीज में डिटेल से वार्ता हुई है और प्रधानमंत्री ने काफी उनको सहमति भी दी है इस चीज को लेकर। मतलब मुख्यमंत्री जो यहाँ के किस तरह से उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाया जाए, जहाँ कमियां कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में आज दिल्ली दौरा किया है उन्होंने। आज अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और 4 बजे उनके जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है। जी बिल्कुल, शाम के 4 बजे राजनाथ सिंह से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली का यह पहला दौरा है पुष्कर सिंह धामी का, हालांकि अगर बात करें पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर तो दोबारा इनको मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठे हुए उनका बड़ा हाथ है, तो कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो ये जो दौरा है उनका उसके लिए भी खास है और साथ ही इन्होंने किन किन योजनाओं को लेकर के सरकार प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के समक्ष रखा और क्या कुछ मांगी की है? बिल्कुल अंजलि, कह सकते हैं कि आज जो सीएम धामी दिल्ली में है और दिल्ली में जो पीएम मोदी है उनसे भी मुलाकात की और साथ साथ में जो गृह मंत्री है अमित शाह उनसे भी मुलाकात की है। भले ही मुख्यमंत्री ने कल ही जो है मीडिया को बता दिया था कि एक शिष्टाचार भेंटे आभार व्यक्त करने वो शीर्ष नेतृत्व के पास जा रहे हैं, लेकिन सीएम धामी ने जो ये मुलाकात हुई है चाहे वो पीएम मोदी से हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह से है, ये बेहद अहम मानी जा रही है। अहम इसलिए कि क्योंकि जो राज्य में जो योजनाएं पिछले पांच सालों में जो बीजेपी सरकार ने दी है राज्य के लिए उसके लिए तो पीएम मोदी और गृह मंत्री का आभार तो जताया है, लेकिन अब जो नई योजनाएं सरकार उत्तराखंड में शुरू करने जा रही है चाहे वो
हिम प्रहरी योजना जो है सरकार उत्तराखंड में लाने जा रही है, तो जो सीमांत जनपद है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए, चाहे वो उत्तरकाशी जनपद हो, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, जो ऐसे सीमांत जनपद है, क्योंकि सबसे बड़ी बात अंजलि इसमें ये है कि उत्तराखंड में जो सीमांत जनपद है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए जो जनपद है, यहाँ पर पलायन जो है बड़ी भारी मात्रा में हो रहा है। तो इस पलायन को रोकने के लिए सरकार यहाँ पर उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना लागू करने जा रही है। जो विधानसभा सत्र जो पहला सत्र सरकार का हुआ था, उसमें राज्यपाल के अभिभाषण में भी जो है हिम प्रहरी जो योजना सरकार लाने जा रही है उसका जिक्र उस अभिभाषण राज्यपाल के अभिभाषण में भी था, ताकि जो ये पलायन है ये रुक सके। और जो हमारे जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपद के जो जो क्षेत्र हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए जो जिले हैं, वो सामरिक दृष्टि भी क्योंकि महत्वपूर्ण है, क्योंकि पलायन जो है बड़ी संख्या में पहाड़ों से हो रहा है, तो इनकी सुरक्षा कैसे किया जाए, तो इसके लिए सरकार हिम प्रहरी योजना लाने जा रही है, जिसके लिए करीब 5-5.5 हजार करोड़ का जो है इसका सालाना खर्च आएगा। तो इसके लिए सहयोग जो है गृह मंत्री अमित शाह से जो है मुख्यमंत्री धामी ने मांगा है कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जा सके, ताकि जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं वो भी सुरक्षित रह सके, और पलायन जो बड़ी समस्या पहाड़ की है वो भी यहाँ पर रुका जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात की जो पीएम मोदी से तमाम योजनाएं, वो जो चार धाम उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं दो मंडल पड़ते हैं, तो जिस तरीके से चार धाम उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल है, उसी तर्ज पर कुमाऊं मंडल में जो कुमाऊं मंडल के जो पुराने मंदिर है, पौराणिक चीजें हैं और ऐसे पुराने मंदिर है, उनको कैसे तीर्थाटन से जोड़ा जाए, पर्यटन से जोड़ा जाए, इसके लिए भी जो है सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि इस जो ये योजना है इसको जल्द से जल्द यहाँ पर लागू स्वीकृति दी जाए। और इसके अलावा तमाम, चाहे वो रेलवे का काम हो, रेलवे जो ऋषिकेश उत्तरकाशी के लिए जो रेल लाइन का काम चलना है, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरी डीपीआर जो है वो तैयार की गई है, ताकि उत्तराखंड में और पर्यटन बढ़े और तीर्थाटन, क्योंकि जो मूल व्यवसाय उत्तराखंड का है वो पर्यटन और तीर्थाटन पे जुड़ा है, तो किस तरीके से पर्यटन और तीर्थाटन को जो है बढ़ावा मिल सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रोजगार मिल सके, इसके लिए भी जो है पीएम मोदी से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द जो ये योजना है इसके लिए शुरू। कुल मिलाकर देखें, ये जो सीएम धामी की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात थी, ये बेहद महत्वपूर्ण थी और कई सौगातें जो है इस दौरान उत्तराखंड को मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी की जो दिल्ली में मुलाकात थी वो बेहद अहम थी, और साथ ही कई इसमें सौगातें हैं वो उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही। कमल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि अगर बात करें, उत्तराखंड को एक तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है, पर्यटक स्थल के रूप में भी माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और उत्तराखंड के विकास को लेकर के ही कहीं ना कहीं वहां पर भले ही इन्होंने शिष्टाचार भेंट की बात की है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने योजनाएं पेश की हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने, गृह मंत्री के सामने, उससे साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड के विकास के लिए वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मदद मांगने गए हैं दिल्ली। जी कमल जी, डबल इंजन की सरकार कहा जाता है अंजलि, राज्य में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सही बार कह चुके हैं, जब डबल इंजन की सरकार होगी तो कहीं ना कहीं राज्य को उसका लाभ भी मिलेगा, और वो हुआ भी है। पिछली बार हम कहते थे बीजेपी कांग्रेस बीजेपी की थी, वहां भी बीजेपी की थी, अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और देश ही भारतीय जनता पार्टी, जब दोनों जगह एक राज्य और केंद्र में जब सरकारें होती है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलता है। तो वही स्थिति हम उत्तराखंड को देख रहे हैं कि कहीं योजनाएं यहाँ पर चल रहे हैं, पिछले साल काफी मिली है, अभी चंद्रप्रयाग रेलवे लाइन चल रही है, और भी वित्तीय सुविधाएं काफी कुछ मिल चुकी है। तो अब 25 साल अगर बात करें तो, क्योंकि एक सपना है पुष्कर सिंह धामी का कि 25 साल में जब इसके पूरे हो जाएंगे, कि 2000 में इसकी उत्तराखंड राज्य बना था और 25 वर्ष में हो जाएंगे जब पूरे 2025 में, तो इसको नंबर वन राज्य बनाना है, तो इसके लिए वो अभी से ही पहल कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको दोबारा मौका मिला राज्य में मुख्यमंत्री बनने का, मुखिया बनने का, तो आज वो गए हैं, तो आगे एक दो सालों में क्या और बेहतर हमारा राज्य बन सकता है, कहाँ चाहे तीर्थाटन हो, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो बिजली परियोजनाएं हो, जितनी पलायन के मुद्दे हो, कई चीजें हैं यहाँ पर जिससे राज्य में अगर वित्तीय सहायता वहां से मिले, स्वीकृति मिले, तो हमारा राज्य और आगे बढ़ सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने बताया कल देर शाम दिल्ली पहुंचे, वहां पर पहले 12 बजे अमित शाह से मुलाकात हुई, 1 बजे से प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, तो इसको लेकर
वहां पर काफी परियोजनाओं को लेकर काफी कुछ चर्चा, और मुझे लगता है जिस हिसाब से डिटेल्स में मुख्यमंत्री धामी की अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी चीजें राज्य को, कई अच्छी वित्त स्वीकृतियां राज्य को मिल सकती है, जिससे यहाँ की जनता को, राज्य का विकास आगे बढ़ सकता है। यही कहा जाता है कि डबल इंजन सरकार का फायदा मिलता, तो वही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी भाजपा सरकार, वहां भी भाजपा सरकार, तो इसका लाभ राज्य की जनता को मिलेगा और राज्य को भी जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जब अगर डबल इंजन की सरकार होती तो कहीं ना कहीं अगर इसका लाभ जो है वो जो राज्य की सरकार है उसको भी प्राप्त होता है, और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही बीजेपी के हाथों में है यहाँ पर। तो विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जैसा कि कमल जी ने कहा कि राज्य पर अगर केंद्र की सरकार की ही पार्टी अगर राज्य की सरकार में होती तो कहीं ना कहीं इसका फायदा राज्य की सरकार को भी मिलता है, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए केंद्र में बीजेपी है और महंगाई अपने चरम पर है, कांग्रेस लगातार विरोध करते हुए नजर आ रही है, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो क्या आज जो मुख्यमंत्री मुलाकात करने पहुंचे थे, दिल्ली दौरे पर हैं सीएम धामी, तो ऐसे में क्या महंगाई को लेकर भी कुछ चर्चा की गई है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, तो वहीं दूसरी ओर विरोध करते हुए भी कांग्रेस नजर आ रही है महंगाई का। भले ही जो है बढ़ती जा रही हो, लेकिन जो सीएम धामी की ये पीएम मोदी से जो ये मुलाकात है ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी, और राज्य की जो योजनाएं जो लागू है और आगे जो योजनाएं जो स्वीकृत होनी है उसको लेकर जो है सिर्फ चर्चा की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष की जहां तक अगर अंजलि बात करें तो विपक्ष भले ही जो है महंगाई को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है, और सदन में भी जो है जब विधानसभा जो सत्र राज्य सरकार का जो पहला विधानसभा सत्र हुआ था तो उस दौरान भी जो है विपक्ष ने अपनी भूमिका में ये कहा था कि महंगाई है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया था कि महंगाई अगर अन्य राज्यों से मुकाबले अगर उत्तराखंड में देखें तो अन्य राज्यों से जो है उत्तराखंड में महंगाई जो है वो काफी बेहद कम है, लेकिन विपक्ष अपनी तरफ से जो है सरकार घेरने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है, सड़क से लेकर सदन तक घेरने का प्रयास किया है। लेकिन जो ये मुलाकात है, आपने ठीक कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है उसका जो सीधा सीधा फायदा है वो राज्य जो प्रदेश की जनता है उसको मिलता है, तो कहीं ना कहीं अगर देखें जो पीएम मोदी की अगर बात करते हैं अंजलि, तो पीएम मोदी का उत्तराखंड में जो है विशेष लगाव रहा है और ये किसी से छुपा भी नहीं है। कई बार जब पीएम मोदी उत्तराखंड आते हैं, चाहे वो केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम हो या फिर चार धाम ऑल वेदर रोड का काम हो, रेलवे का काम, कई ऐसी केंद्र की योजनाएं हैं जो आज भी जो है धरातल पर दिखती है, और यही बड़ी वजह है कि उत्तराखंड की जनता ने जो एक बार जो है बीजेपी सरकार पर भरोसा जताया है। दूसरी महत्वपूर्ण आपने भी जो जिक्र किया था कि केंद्र का हाथ जो है सीएम धामी पर है, यही एक बड़ी वजह ये भी है अंजलि की जो राज्य के विकास के लिए लगातार सीएम धामी की अगर बात करें तो वो प्रयासरत है, जब से उन्होंने कुर्सी संभाल ली है, प्रदेश की कमान हाथों में सौंपी है, तब से पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल भी जब बैठक हुई थी तो सीएम धामी ने खुद कहा था कि वो ना तो जो राज्य का विकास है उसके लिए ना वो तो खुद सोएंगे ना तो अधिकारी को सोने देंगे, तो इस तरीके का जो सीएम धामी पूरे एक्शन मोड में नजर आया, राज्य के विकास के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लिए जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि केंद्र का भरोसा भी जो है एक बार फिर सीएम धामी पर पड़ा है और दोबारा जो है उन्हें मुख्यमंत्री का मौका दिया। तो कुल मिलाकर देखें सीएम धामी दिल्ली में जो है तमाम ऐसी योजनाएं जो केंद्र की ओर से यहाँ पर स्वीकृत होनी है और राज्य की तरफ से जो नई नई योजनाएं हैं किस तरीके से राज्य का विकास हो सके, क्योंकि 2025 तक का जो लक्ष्य पीएम मोदी का भी और सीएम धामी का जो सपना है कि 2025 तक उत्तराखंड हर क्षेत्र में जो है आगे हो, अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड हो, इसके लिए जो है तमाम योजनाओं को जो है स्वीकृत करने के लिए पीएम से मुलाकात की है, गृह मंत्री से मुलाकात की, तमाम ऐसे शाम को 4 बजे गृह मंत्री माफ कीजिएगा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, तो सैनिकों के कल्याण के लिए भी और तमाम ऐसी जो योजनाएं हैं उनके लिए भी जो उनसे बातचीत कर सकते, तो ये जो दौरा सीएम का दिल्ली का दौरा रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है और इस दौरे में जो है राज्य को कई सौगातें मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड राज्य की जो विकासों की सौगात लेकर के उत्तराखंड वासियों के लिए एक पिटारे में बंद करके पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर थे, उन्होंने प्रधानमंत्री और साथ ही गृह मंत्री के सामने अपना जो विकास का पिटारा है वो खोला है और कई सारी योजनाओं पर सहमति बनवाई है।
कमल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी दौरे पर हैं, तो वहीं ऐसे में उन्होंने हिम प्रहरी के बारे में बात की। हिम प्रहरी की जो योजना है उसको लागू करने के बारे में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस बारे में बात किया है। अंजलि, मैंने कहा ना कि पहले दौरा है यहाँ पर राज्य का मुख्यमंत्री, दोबारा जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं तो विभिन्न, अगर कहें तो विभिन्न योजनाओं को वहां पर लेके गए हैं, जिससे उत्तराखंड में कैसे खुशहाली की ओर बेहतर बढ़ सकता है, उत्तराखंड राज्य नंबर वन कैसे बढ़ सकता है, स्वच्छता की दृष्टि से ज्यादा कैसे उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ देखा था चाइना का बॉर्डर यहाँ पर बिल्कुल साथ में हमारा लगता है, तो कई चीजें, सीमाओं को सुरक्षित रखना है हमने, राज्य को विकास की ओर गति देनी है, साथ ही इसको राज्य को नंबर वन बनाना है, तो कई प्रपोजल यहाँ पर जो बनाए गए, कई योजनाएं जो चल रही हैं और कैसे योजनाओं को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और कौन सी योजनाओं से राज्य को लाभ मिल सकता है, तो इन सब योजनाओं का पूरा प्रपोजल बना के वो वहां पर पहुंचे हैं। कल पहुंचे थे, आज सबसे पहले जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, काफी देर में काफी चीजों पर चर्चा हुई, फिर बाद में 1 बजे स्वयं प्रधानमंत्री से पुष्कर सिंह धामी मिले, उनसे भी काफी डिटेल्स में काफी परियोजनाओं की लिस्ट उन्होंने दी है, जिससे उनकी स्वीकृति की मांग की है कि इस पर स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे राज्य और खुशहाली की बढ़े, कहीं जो पलायन के मुद्दे हैं और जो मुद्दे हैं, इससे लोगों राहत मिले, उत्तराखंड के लोगों यही रोजगार मिल सके, उनको अन्य प्रदेशों में न जाना पड़े, इन सब चीजों पर पूरी डिटेल से उन्होंने अपनी बात रखी है और प्रपोजल भी लिखित रूप से उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री को दिए हैं। अब और उम्मीद भी है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा और कई स्वीकृतियां भी मिलेंगी राज्य को, जिससे राज्य हमारा और अग्रसर होगा विकास की राह पर, तो इन चीजों पर काफी डिस्कशन हुआ है। शाम को फिर हैं तो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उनसे भी मुलाकात होनी है पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि तीनों ही शीर्ष नेतृत्व तो है, अमित शाह हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए और राजनाथ सिंह हो गए, तीनों शीर्ष नेतृत्व से यहाँ पर मुलाकात है कि कई चीजें इसके राज्य में कैसे और बेहतर हो सकता है, राज्य को कैसे चीज बनाया सकता, तो अलग अलग अमित शाह से गृह मंत्री है जो उनसे उनसे संबंधित बात करी, रक्षा मंत्री से बात करी, प्रधानमंत्री जो सर्वोपरि है देश के प्रधानमंत्री हैं, जो उन्होंने सारी स्वीकृतियां प्रदान करनी है, तो उनसे भी मुलाकात हुई, तो कहीं डिटेल्स में काफी मुलाकात हुई, कैसे राज्य को बढ़ाया जा सके, कैसे और अग्रसर आगे, 25 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे 2025 में, तो ना पुष्कर सिंह धामी सपना है कि इसको नंबर वन राज्य बनाया जाए, तो इसके लिए भी प्रयास अभी से किए जा रहे हैं, क्योंकि फिर लोकसभा चुनाव आ जाएंगे 25 में, फिर हमारा उत्तराखंड 25 वर्ष का हो जाएगा, तो कहीं चीजों को लेकर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने अपनी सारी बातें रखी हैं और विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति की। जी कमल जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मुख्यमंत्री विकास का जो पिटारा है प्रपोजल लेकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने गए थे और उन्होंने उत्तराखंड के वासियों के लिए काफी कुछ विकास की परियोजनाओं के लिए स्वीकृति भी मांगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।